बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लेवल ऑफ मेजरमेंट होता क्या है या स्केल ऑफ मेजर किसे कहते हैं। इस पूरे टॉपिक की जो आउटलाइन है वो बेसिकली दो वीडियोस में कवर होगी, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो लेवल ऑफ मेजरमेंट जो लोग सीखना चाह रहे हैं या जिन्हें इनका रफली आइडिया है लेकिन इन डिटेल अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो दोनों वीडियोस को डिटेल में देखें, सुने, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इस टॉपिक के हवाले से। कंटेंट्स में है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट होता क्या है, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन क्या है, इसकी कैटेगरीज कितनी हैं। बेसिक एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल ली जाएगी, फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट का एक समराइज व्यू यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, इम्पोर्टेंस बताई जाएगी लेवल ऑफ मेजरमेंट की कि क्या इम्पोर्टेंस है। लेवल ऑफ मेजरमेंट को अगर हम डाटा की टाइप्स के साथ कंपेयर करें तो वो क्या हैं, ठीक है जी। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन सी हैं जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स की मौजूदगी में हमें डिसाइड करनी होती हैं। फिर नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट को इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा विद एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन। देन ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट को विद एग्जांपल एंड इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। फिर इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट को इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। देन रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट को इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। और आखिर में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, उनके सॉल्यूशन उन्हें अंडरस्टैंड करके उनके सॉल्यूशंस के हवाले से यहाँ पर डिस्कशन होगी। तो आते हैं हम अपने पार्ट वन की तरफ। सबसे पहले लेवल ऑफ मेजरमेंट होता क्या है, इसकी मीनिंग और डेफिनेशंस पे आते हैं। स्टैटिस्टिक में लेवल ऑफ मेजरमेंट बेसिकली उन वैल्यूज की क्लासिफिकेशन है जो कि वेरिएबल्स को असाइन की जाती हैं। आपके वेरिएबल मेजर कैसे हो रहे हैं, उनके साथ जो अटैच्ड वैल्यूज़ हैं उनकी क्लासिफिकेशन को हम लेवल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। लेवल ऑफ मेजरमेंट या स्केल ऑफ मेजरमेंट जो है वो बताता है कि आपने जो वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन की हैं उनकी नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। बेसिकली वो वैल्यूज़ क्या डिस्प्ले कर रही हैं, क्या नेचर जो हैं वो अपनी डिस्क्राइब कर रही हैं। स्टैनली स्मिथ स्टीवंस एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने लेवल ऑफ मेजरमेंट की थ्योरी 1946 में प्रेजेंट की, और जिसे आज तक जितने भी साइंटिस्ट हैं वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, स्पेशली स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस में और स्टैटिस्टिकल के बहुत सारे एरियाज़ में इसे क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। तो बहरहाल इसकी फर्दर डिटेल में हम आगे आते हैं, इसकी कैटेगरीज़ क्या क्या हैं। बेसिकली लेवल ऑफ मेजरमेंट की जो पहली कैटेगरी है उसको हम नॉमिनल लेवल कहते हैं। नॉमिनल लेवल क्या है, नॉमिनल लेवल बेसिकली आपके वेरिएबल की जो मेजरमेंट है उसको लेबल करना, उसको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, या उसकी कैटेगराइजेशन करना विदाउट ऑर्डर, ये होता है नॉमिनल लेवल। इसमें हमारे पास एग्जांपल है मैरिटल स्टेटस की, जैसे सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, ये हम कैटेगराइजेशन कर देते हैं विदाउट ऑर्डर, जस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ मैरिड, अनमैरिड और डाइवोर्स, ठीक है। इसी तरह टाइप ऑफ कार है, आपके पास 800 सीसी कार है, आपके पास 1000 सीसी कार है, 1300 सीसी कार है, 1600 सीसी कार है, 1800 सीसी कार है, किस तरह की आपके पास गाड़ी है या किस कलर की है, किस ब्रांड की है, ठीक है। इसी तरह आपके नाम जो हैं, आपके रोल नंबर्स जो हैं, आपके जो मोबाइल नंबर होते हैं, आपके CNIC नंबर, आपके गाड़ी के नंबर प्लेट पे जो नंबर लिखा होता है, ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरह जब टीवी पर आप मुख्तलिफ किस्म के चैनल देखते हैं, जैसे जियो न्यूज़ है, ठीक है, सोनी टीवी है, हम टीवी है एंड सो ऑन,
सारी की सारी चीज़ें जो अभी तक एग्जेम्प्लीफाई हुई हैं दे आर जस्ट टू आइडेंटिफाई सम वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह जब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है ऑर्डिनल लेवल। ऑर्डिनल लेवल की खासियत ये होती है कि यहाँ पे आप अपने वेरिएबल की जो मेजरमेंट है उसको ऑर्डर रैंक या स्केलिंग प्रोवाइड करते हो। बेसिकली यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन होती है ऑर्डिनल लेवल पे, इसमें आप बेस्ड ऑन सम ऑर्डर, बेस्ड ऑन सम रैंक, बेस्ड ऑन सम स्केल आप ऑर्डर जनरेट कर देते हो। तो ये सेकंड लेवल है आपकी मेजरमेंट का। सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है वो नॉमिनल लेवल होता है, और नॉमिनल लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल जो है, जो अपर लेवल भी कहलाएगा, वो ऑर्डिनल लेवल है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स में सर्विस क्वालिटी रेटिंग्स हैं। आप से बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट की, मुख्तलिफ़ सर्विसेज की क्वालिटी एज़ पर रेटिंग पूछी जाती है, वेदर यू आर स्ट्रॉन्गली डिससेटिस्फाइड और स्ट्रॉन्गली सेटिस्फाइड। इसी तरह लिकर्ट स्केल, जो लोग मेरे दोस्त रिसर्च कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा लिकर्ट स्केल क्या होता है। ये 5 पॉइंट भी हो सकता है, 7 पॉइंट भी हो सकता है। तो ये भी बेसिकली ऑर्डिनल लेवल की इंडिकेशन है। इसी तरह स्टूडेंट्स के जो ग्रेड होते हैं, ठीक है, कि 4 CGPA हासिल किया है, 3 CGPA हासिल किया है, 2.5 किया है, A+ ग्रेड आया है, B+ ग्रेड आया है, या जो भी, ये सारे ऑर्डिनल लेवल हैं। ऑर्डिनल लेवल के बाद जो नेक्स्ट हायर लेवल है उसको हम कहते हैं इंटरवल लेवल। इंटरवल लेवल इज़ बेसिकली अ हायर लेवल देन ऑर्डिनल एंड नॉमिनल लेवल। इंटरवल लेवल की खासियत ये होती है कि इसमें आप मेजरमेंट करते हो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ टू और मोर थिंग्स। ठीक है, लेकिन इसमें ज़ीरो की कोई वर्थ नहीं होती, आप ज़ीरो को दरमियान में काउंट नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हम टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एग्ज़ाम ले लेते हैं, स्कोर ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट हायर लेवल है हमारे पास वो होता है रेशो लेवल। अब रेशो लेवल क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, यानी सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो नॉमिनल है और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो रेशो लेवल होती है। अच्छा, रेशो लेवल की खासियत क्या है कि यहाँ पे ज़ीरो की भी वर्थ है, यहाँ पे भी आप डिस्टेंस को कवर करते हैं लेकिन ज़ीरो को आप वर्थफुल कंसिडर करते हैं। इसमें हाइट है, एज है, फूड है, स्पेंडिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट। बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो नॉमिनल में वो कहता है कि डेटा में ओनली बी क्लासिफाइड, मींस जैसे कि फुटबॉल प्लेयर्स की जो जर्सी के नंबर्स होते हैं आप उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एंड फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन उनके पीछे नंबर लिखे होते हैं। इसी तरह कार की जो मेकिंग है, ठीक है, वो किस कंपनी की है, किस ईयर की है, ये सारा कुछ। इसी तरह ऑर्डिनल में अगर आए तो डेटा को रैंक कर दिया जाता है, जैसे कि आपका रैंक क्लास में, ठीक है, टीम की स्टैंडिंग क्या है, फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे है, या पहली 10 में उनकी क्या पोजीशन बनती है। इंटरवल में मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन वैल्यू होगा, ठीक है, लेकिन आप ज़ीरो को कंसिडर नहीं करोगे। टेम्परेचर है, ड्रेस साइज़ है। इसी तरह रेशो में जब हम आएँ तो 0 पॉइंट जो है वो मीनिंगफुल हो जाएगा बिटवीन द डिस्टेंस। इसमें नंबर ऑफ पेशेंट सीन है, नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स मेड है, डिस्टेंस टू द क्लास है, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद इसकी एक बेसिक एग्जांपल अगर हम देखें नॉमिनल मेजर की, एग्जांपल जेंडर है, जिसमें मेल या फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए बाज़ औक़ात आप नंबरिंग कर देते हो, लेट्स सपोज फीमेल का 0 और मेल का 1। ठीक है, इसी तरह ऑर्डिनल मेजर एग्जांपल में आप जो है यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हो कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ रिलीजियस टू यू। ठीक है, तो एक कहता है कि जनाब नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, एक कहता है फेयरली इम्पोर्टेंट, एक कहता है जी वेरी इम्पोर्टेंट, और एक कहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। तो ये हाईएस्ट जो है वो अपनी जो है वो बिलीफ प्रोवाइड कर रहा है रिलीजन के हवाले से, ठीक है, और ये लोएस्ट बिलीफ प्रोवाइड कर रहा है
रिलीजन के हवाले से, ठीक है। तो ये ऑर्डिनल है बिकॉज ये एक ऑर्डर सेट हो गया है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। इसी तरह अगर हम इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल आईक्यू स्कोर की दी हुई है, ठीक है, कि ऑब्वियसली 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110 और 110 से 115, इन सब के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 का डिस्टेंस है, ठीक है, और मीनिंगफुल डिस्टेंस भी है। और इसी मीनिंगफुल डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे हाईएस्ट स्कोरर 115 आईक्यू टेस्ट वाला होगा। जब हम रेशो मेयर्स की तरफ आएँ तो ज़ीरो भी मीनिंगफुल होगा। यहाँ पे इनकम की एग्जांपल दी हुई है कि जो पहला पर्सन है उसकी इनकम ज़ीरो है, ठीक है, दूसरे की 10,000 है, तीसरे की 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50,000। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम जो है वो लास्ट वाला पर्सन कमा रहा है, जबकि लोएस्ट लेवल ऑफ इनकम जो कि ज़ीरो पे बेस कर रही है वो पहला पर्सन कमा रहा है। तो यहाँ पे ज़ीरो भी मीनिंगफुल होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं जिसके हवाले से रिसर्च कम्युनिटी जो है वो बहरहाल उन्हें आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो एज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इट इज़ एन इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि ईयर्स जो होते हैं वो बेसिकली कोई शख्स 10 साल का होगा, कोई 11 का होगा, कोई 20 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 30 का होगा। एक मीनिंगफुल डिस्टेंस आ रहा है, मीनिंगफुल, और ये डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, ठीक है। आप एक साल गुजारते हैं तो आपकी उम्र एक साल बढ़ जाती है, तो कभी भी हम ये नहीं कहते कि कोई शख्स ज़ीरो ईयर्स का है। तो जहाँ पे एक फुल डिजिट काउंट हो रहा हो, एक मीनिंगफुल डिस्टेंस मौजूद हो और ज़ीरो कंसिडर ना किया जा रहा हो तो इंटरवल होता है। जेंडर नॉमिनल है, दो कैटेगरीज बन रही हैं। ट्राइब ऑफ ओरिजिन, ठीक है, नॉमिनल है, दो जो है वो कैटेगरीज बन रही हैं। इसी तरह रिलेशनशिप स्टेटस नॉमिनल है, चार कैटेगरीज बन रही हैं, सिंगल, मैरिड, ठीक है, डिवोर्स, विडोर, ठीक है। इसी तरह हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, ये ऑर्डिनल है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती जाती है आपका लेवल बढ़ता जाता है। तो जहाँ पे रैंक आ जाए, ऑर्डर आ जाए, ठीक है, स्केल आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल। इसी तरह मंथली इनकम, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, ठीक है, आपका लेवल ऊपर आता जाता है, तो ये ऑर्डिनल है। इसी तरह रिलीजियस लेवल ऑर्डिनल है, कि एक बंदा जो है वो हाईली रिलीजियस से नॉट रिलीजियस एट ऑल है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं जो रिसर्च कम्युनिटी को आइडिया है कि ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसको कुछ समराइज शक्ल में अंडरस्टैंड करने के लिए। जो नॉमिनल होता है उसमें आप डेटा को कैटेगराइज करते हो, ठीक है, लेकिन ऑर्डर क्रिएट नहीं करते। बेसिकली नॉमिनल डेटा की रैंकिंग नहीं होती, ठीक है, सिर्फ ऑर्डर, सिर्फ कैटेगरीज बनती हैं। सो यू डोंट नीड टू ऑर्डर। सब्ट्रैक्ट डेटा वैल्यूज इसमें नहीं होता, ठीक है। डिटरमाइन इफ़ वन डेटा वैल्यू इज़ मल्टीपल ऑफ अनदर, ये भी नहीं इसके अंदर होता। ऑर्डिनल में आप कैटेगराइज भी बनाते हो और ऑर्डर भी क्रिएट करते हो, लेकिन ना तो कोई वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना ही कोई मल्टीप्लाई करते हो। इंटरवल में जब आप आते हो आप कैटेगराइज करते हो डेटा को, ठीक है, ऑर्डर भी क्रिएट करते हो और एक वैल्यू को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट भी करते हो, लेकिन आप की एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का मल्टीपल नहीं होती। रेशो में जब आते हो डाटा को कैटेगराइज भी करते हो, अरेंज भी करते हो इनटू सम ऑर्डर, ठीक है, डाटा को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का मल्टीपल भी हो सकती है। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से है कि वाई वी स्टडी लेवल ऑफ मेजरमेंट। लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो हमारे डेटा के एनालिसिस में हमें बहुत हेल्प आउट करती है। आप अगर ये डिसाइड करना चाह रहे हो कि आप किस किस्म के डेटा पे किस किस्म का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर डेटा,
ठीक है, नेचर क्या है, कैटेगरी कौन सी है, लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। लेवल ऑफ मेजरमेंट बेसिकली आपको ये बताता है कि आप किस किस्म का एनालिसिस अप्लाई करना चाह रहे हो। आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए अपनी डाटा सेट के ऊपर, या आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक की टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, आप जो है जब लेवल ऑफ मेजरमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। और इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब नॉमिनल क्या है जी, डेटा कंसिस्ट ऑफ नेम्स और कैटेगरीज, नो ऑर्डरिंग स्कीम इज पॉसिबल, एग्जाम्पल है नंबर असाइंड टू अ रनर इन अ रेस, सोशल सिक्योरिटी नंबर। ठीक है, टाइप ऑफ डाटा जो होती है ना इसकी, वो डिस्क्रीट होती है, नॉमिनल हमेशा डिस्क्रीट होगा। ठीक है, इसी तरह ऑर्डिनल भी डिस्क्रीट होता है। नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों के दोनों होते डिस्क्रीट हैं, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि नॉमिनल में आप कैटेगराइज तो डाटा को करते हो लेकिन रैंक या ऑर्डर क्रिएट नहीं करते, लेकिन ऑर्डिनल में आप डाटा की कैटेगराइजेशन के अलावा वैल्यूज़ की रैंकिंग भी करते हो। ठीक है, इसी तरह इंटरवल या रेशो की तरफ आए तो ये कंटिन्यूस लेवल डाटा होता है। तो इंटरवल की खासियत ये है कि डाटा इज़ अरेंज इन ऑर्डर एंड डिफरेंस कैन बी फाउंड, हाउएवर देर इज़ नो इनहेरेंट स्टार्टिंग पॉइंट एंड रेशोज आर मीनिंगलेस। बेसिकली इसमें ज़ीरो से आप स्टार्टअप नहीं ले रहे होते, कोई भी वैल्यू आ सकती है लेकिन एक मीनिंगफुल डिस्टेंस के साथ आती है। जैसे कि टेम्परेचर ऑफ थ्री मेटल पार्ट्स जो है वो 200 फॉरेनहाइट होगा, 300 फॉरेनहाइट, 600 फॉरेनहाइट। अब ये जो बेसिकली टेम्परेचर है ये कहीं पे भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, हालांकि टेम्परेचर ज़ीरो पे हो सकता है, स्पेशली जब हम वेदर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह रेशो के ऊपर अगर आप आएँ तो एन एक्सटेंशन ऑफ द इंटरवल लेवल दैट इंक्लूड्स एन इनहेरेंट ज़ीरो। अगर आप इंटरवल के अंदर ज़ीरो को भी ऐड कर दें फॉर द पर्पज़ ऑफ मेजरमेंट तो वो फिर रेशो लेवल बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉमिनल और ऑर्डिनल ये दोनों डिस्क्रीट की कैटेगरीज हैं, जबकि इंटरवल और रेशो जो हैं वो कंटिन्यूस की कैटेगरीज हैं। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास स्टैटिस्टिकली कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं अगर हम जो है वो लेवल ऑफ मेजरमेंट के हवाले से स्टैटिस्टिकल कोई टेक्निक अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं। जहाँ तक नॉमिनल की बात है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से आप मोड अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आपका डाटा नॉमिनल है तो आप उसका मोड फाइंड आउट आपको करना चाहिए। ठीक है, जबकि मेजर ऑफ डिस्पर्शन या मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में इसके लिए कोई चॉइस मौजूद नहीं है, यानी यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द मोड ऑफ अ नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट डाटा। इसी तरह अगर आप ऑर्डिनल की बात करें तो आप उसमें जो है वो मीडियन स्पेसिफिकली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मीडियन जो है वो मोर फ्रिक्वेंटली जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। मोड भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन मीडियम यहाँ पे हाईलाइटेड है, यानी मीडियम की जो डिमांड है इन इन केस ऑफ ऑर्डिनल वो ज़्यादा है। जबकि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में आप रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो इन केस ऑफ ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। इसी तरह जब हम इंटरवल पे आते हैं तो इंटरवल में आप अरिथमेटिक मीन जो है, जिसको सिंपली जो है वो मीन भी कहा जाता है, वो एज ए सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हो, और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। जब आप रेशों पे आए तो आप मोड, मीडियन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इनमें से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में आप सारी की सारी टेक्निक्स लाइक रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद कुछ फर्दर डीप एनालिसिस, जो आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है
इसमें नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ नॉन पैरामेट्रिक को डील करेगा, नॉमिनल और ऑर्डिनल। इसमें आप जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज है, मोड है, फ्रीक्वेंसी है, काई स्क्वायर है, बाइनोमियल टेस्ट है, ठीक है। इसी तरह ऑर्डिनल के अंदर परसेंटाइल है, मीडियन है, फ्रीक्वेंसी है, परसेंटाइल है, स्पेयर रैंक ऑर्डर है, कोरिलेशन है, मैन विटनी है, यू टेस्ट है, कैंडल कॉफिशेंट ऑफ कंकॉर्डेंस है। यानी हम ये यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है उसमें मोड एज ए सेंट्रल टेंडेंसी इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डिनल के अंदर मीडियन एज ए सेंट्रल टेंडेंसी इस्तेमाल होगा, ठीक है। जब हम इंटरवल की तरफ जाएं तो उसमें मीन एज ए सेंट्रल टेंडेंसी इस्तेमाल होता है, और जब हम रेशो की तरफ जाएं तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन एज ए सेंट्रल टेंडेंसी इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि इंटरवल और रेशो जो हैं इन पे आप नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक दोनों तरह के टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जबकि नॉमिनल और ऑर्डिनल में सिर्फ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई होते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ने से पहले मैं पार्ट वन को यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा, और जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो शो हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के ज़रिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट है लेवल ऑफ मेजरमेंट का वो समझ आ गया होगा। शुक्रिया।